En ti. बाबा की आज 6 तारीख 2 मास की मुरली है। सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फिर बाबा कहते हैं फूल 6 मास निकलते हैं, कोई कोई फूल। फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फिर फूल निकल पड़ते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प फिर भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा भी है, चढ़ती कला में बृहस्पति की दशा भी है। फिर बाबा कहते हैं उतरती कला की भी दशाएं होती है अलग अलग। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं और कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई और फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सत्व प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। छोटे बच्चे को भी सत्व प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते हैं। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। बाबा ने फिर कहा जैसे राम तीर्थ
कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास किया तो पूजा खत्म हो जाती है। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं तो अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खत्म हो जाते हैं। अधिकार खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है अपने आप। प्रकृति का सुख भी जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म करना प्रकृति के लिए 2 पैसे का खेल है, बहुत इजी है। तो बाबा कहते हैं जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर युग की शुरुआत होती है, तो क्या होता है, बाबा कहते हैं स्वर्ग की सब सामग्री खत्म हो जाती है, सोने के महल वगैरह हैं वो खत्म हो जाते हैं अर्थक्वेक आदि में। फिर नए सिर बनना शुरू होता है, डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है इस समय सभी पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे हो सकती है। संगम पर तो देवताएं होते नहीं हैं। तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडव कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं हैं, तो बाप बैठ करके आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा बैठ के किसको समझाते हैं, आत्माओं को समझाते हैं। फिर कहते हैं आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है, ऐसा ऐसा करती है, वो कौन करता है, आत्मा ही करती है। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको अर्थात किसको, आत्मा को पढ़ाते हैं, ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं और बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये बात पक्की करनी है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए ना बोलने के लिए, जिससे मैं समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है, कौन सी बात की खुशी होती है, और बात डिटेल, नई दुनिया में जाएंगे और अच्छा। और बाबा कहते हैं आत्मा को खुशी होती है, बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए। केवल इस समय आए हैं ऐसा नहीं है, परंतु क्या हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वो है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मजा आता है, नेचुरली वो तुम मजा आएगा, अच्छा लगेगा, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते हैं ना। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है, धारण करके फिर जाकर के औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है, हम जाकर के औरों को भी समझाएं। ज्ञान भी समझ में आता है और औरों को समझाने का महत्व भी समझ में आता है।
जयंती मनाई जाती है ना, भगवान उवाच है। भगवान उवाच कृष्ण के लिए नहीं कह सकते हैं, वो तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है ना। अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, उसकी स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर पड़ नहीं सकता है, परछाया भी पड़ नहीं सकता है, इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई करते हैं, अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाती है। लक्ष्मी से मनुष्य धन मांगते हैं, लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी? बाबा कहते हैं अम्बा के भी मंदिर बहुत है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक, और जगत अम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं वही जगत अम्बा, फिर ये लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है। सरस्वती जगतम्बा उनसे क्या मिलता है, सृष्टि की बादशाही मिलती है। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बन जाते हो तो भक्ति शुरू होती है। गरीब बन जाते हो तो फिर भक्ति शुरू होती है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। फिर बाबा कंपैरिजन करते हैं, जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं, उसकी तो रोज पूजा होती है, उनकी तो सदैव पूजा होती है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाते हैं, यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना? फिर बाबा कहते हैं तुम भी कौन हो, जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो। जब जगत अम्बा के पास सब कुछ जाके मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे जगत अम्बा के आगे, तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर के बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। अभी हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सभी मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। ये तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे कृष्ण का जन्म होता है, वहां तो सब कायदे सर होता है, दुख का नाम निशान नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुखदाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और अनेक बार जीत पाई है। ये हार और जीत का खेल है, अनेक बार जीत पाई है और अनेक बार हार खाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं,
कोर्स भी सीखते हैं ना। स्कूल में क्या होता है, नॉलेज तो होती है परंतु मैनर्स का भी रजिस्टर रखा जाता है। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं, अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो। वहाँ मैनर्स सिखाएंगे तो थोड़ी बोल चाल की, खाने पीने की, उठने बैठने की मैनर्स सिखाएंगे, पर लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स कोई सिखाता नहीं है, चरित्र की कोई बात करता नहीं है। महिमा भी उनकी ही गाते हैं। देवी देवताओं की क्या महिमा है, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, बाबा कहते ये महिमा गाई गई है तो ये महिमा ही हमारा क्या बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। तो बाबा कहते अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं ना, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, आत्मा की कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुप तो होता रहेगा। बच्चे कहते बाबा सतयुग कब आएगा, ये तो बहुत गंदी दुनिया है, मतलब कहीं सोचेंगे जीने लायक है ही नहीं बिल्कुल, कैसी दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं। बाप कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, कर्मातीत अवस्था बनाओ, साक्षी दृष्टा होकर के सब कर्म करते जाओ। बस जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को भी सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, ये है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना वो है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना वो है सतो भक्ति। हर बात में सतो प्रधान, सतो रजो तमो होता है हर बात में। बाबा कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं ना, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, ये आत्मा ने कहा ना। पुकारता है तो कौन पुकारता है, आत्मा ही पुकारती, क्योंकि विचार भी कौन करता है, आत्मा ही करती है। मुख से बोलेंगे तो भी कौन बोलता है, आत्मा ही बोलती है। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो ना, हे दुख हरता सुख करता आओ, आकर के दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। तो बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूं, साथ अभी ही देता हूं, सभी आत्माओं को घर ले जाता हूं, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है, बस वहां तक। मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीत बैठ करके सुनाता हूं। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहां प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। बाबा को याद करेंगे जितना जितना उतना क्या होगा, विकर्म विनाश होगा और उड़ने के, कहां उड़ के जाना है, वापस घर।
तो पंख मिल जाएंगे। पंख कौन सा है? ज्ञान और योग साधन है। ज्ञान और योग क्या है? साधन है। पंख कौन से मिलेंगे? पंख मिलेंगे उपराम होने के, पंख मिलेंगे देही अभिमानी बनने के। बस अब जाना है घर, ये संकल्प आने के लिए पक्का पक्का, संकल्प आने के लिए विकारों से और विकर्मों से मुक्ति चाहिए। जब विकारों से मुक्ति हो जाएगी तो विकर्मों से मुक्ति हो जाएगी, फिर आत्मा का संकल्प पूरा हो जाएगा, फिर आत्मा सोचेगी अब कुछ बाकी नहीं रहा है, चलो घर। तब चलो घर, तब तक घर चलने का संकल्प नहीं आता है, तब तक घर चलने के लिए निडरपना नहीं आता है, प्यार नहीं आता है। सबको वापस घर जाने का भी क्या होता है? क्या होता है? डर होता है। कोई तैयार नहीं है वापस घर जाने को। चलो जाना है अभी, तो क्या कहेंगे? अच्छा जाने का, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे, है ना? जाके जाके मीन्स इस शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? इस शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? आत्मा कहाँ जाएगी, बोलो? हाँ, कहाँ जाएगी? सोचो कैसे जाएगी और कहाँ जाएगी। आत्मा ने समझो शरीर छोड़ दिया, अभी मैंने शरीर छोड़ दिया तो आत्मा निकली, आत्मा निकली। सोचो, सोच सकते हो? आत्मा निकली, निकली तो फिर कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी? बिना शरीर के फिर आत्मा उड़ के जाएगी, कहाँ जाएगी? और उसको खुशी होगी कि डर लगेगा, कहाँ जाऊं, है ना? घर का एड्रेस जब भूल जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? घबरा जाता है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो अगर तैयारी नहीं होगी, बाबा की याद नहीं होगी, तो फिर जो संकल्प आएगा वहां वहां चली जाएगी, वहां चली जाएगी। समझा? कई लोग हंसी हंसी में ये सब बातें बनाते हैं, वो तो एक्चुअली तो किसी को पता नहीं चल सकता, बातें बनाते हैं। कहते हैं कि किसी को अंत समय में लगा कि मेरे को मक्खन खाना है, समझो मक्खन याद आ गया, तो मक्खन जिसके पास बहुत बनता होगा वहां जाके जन्म ले लिया, आत्मा ने वहां जाके तुरंत प्रवेश कर लिया, है ना? तो इसीलिए उपराम, इसीलिए क्या चाहिए? उपराम स्थिति चाहिए कि अभी कहां पर भी मन लगा हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति चाहिए। तो बाबा कहते जितना मुझे याद करेंगे विकर्म विनाश होगा। क्या है? विकर्म विनाश होगा और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। बाबा फिर समझाते हैं, आत्मा को ऐसे कोई पंख नहीं है, समझा? कोई ऐसे पंख बना हुआ है और मिला आत्मा को और आत्मा उड़ी, ऐसा नहीं है। आत्मा के पंख है विचार, आत्मा के पंख है मन की स्थिति, आत्मा का पंख है सोच, है ना? स्थिति, सोच, वो आत्मा के पंख है। आत्मा तो एक छोटी सी बिंदी है, किसी को ये पता ही नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। न आत्मा का किसी को परिचय है और न ही परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आके तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। इसको ही सोल रियलाइजेशन कहा जाता है, आत्मा अनुभूति कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ
समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो, ज्ञान सितारे हो, बाकी वो सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। वो कोई देवता ही नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, फिर भी फिजिकल है, भौतिक है, स्थूल है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। फिर बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे, भक्ति थी तो सब कुछ करते थे। सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः कहकर के पानी देते थे। ये सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। किसने? नंबर वन पूज्य तो फिर नंबर वन पुजारी भी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्र माला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने ही की है। अब बाबा कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमयी हो गई और फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, बाप समझाते हैं ऐसे सागर की कोई बात नहीं है। वहां तो गर्भ महल है जहां बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहां गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाया है, तो बोलो औरों के 84 जन्म तो है ही नहीं, ये तो 84 जन्मों की सीढ़ी है, और धर्म वालों के तो 84 जन्म है ही नहीं। सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं, उससे तुम अपना हिसाब निकाल सकते हो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सभी चक्र में और झाड़ में दिखाया है। सब धर्म वहां दिखाए हैं, इनमें सब बातें समझाई है। जैसे नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है, नक्शा देखते हैं तो सब पता चल जाता है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं सभी को, यही बताओ कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर पावन बन के पावन दुनिया में चले जाएंगे। बाबा को याद करके स्वयं का परिवर्तन करना बड़ा सहज है, नहीं तो बहुत करके परिवर्तन कभी होता नहीं है। परिवर्तन होता नहीं है, व्यक्ति ज्ञान कितना भी सुनेगा और सुनाएगा तो भी परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो ज्ञान सुनने सुनाने से अहंकार बढ़ जाता है तो और ही परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। परंतु बाबा को याद करने से, कोई बाबा को याद भी करे यथार्थ और परिवर्तन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई कहे कि हम तो बहुत अच्छा याद करते हैं बाबा को पर परिवर्तन कोई नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? याद करना आता ही नहीं है, वैसे ही गप्पे मारते हैं कि याद किया। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि कोई याद करे और वो सात्विक न बने अथवा उसको यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है उसकी समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना
प्रॉपर समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बाबा की रोज मूली सुनते हैं तो भी अपने ही संस्कार काम करेंगे, अपना ही जो विचार होगा जन्मों जन्म के संस्कारों को इकट्ठा करके, वही हमें सत्य लगेगा। बाबा की सत्य बात समझ में आएगी नहीं, वो याद करके ही आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन बन के पावन दुनिया में चले जाएंगे। तुम पावन बनेंगे तभी तुमको पावन दुनिया मिलेगी, है ना। तुम अपने आप में जितना सतो प्रधान बनेंगे उतना आपको सतो प्रधान वातावरण मिलेगा। हम क्या सोचते हैं, हम इतना सबके लिए अच्छा करते हैं, लोग क्यों नहीं करते हमारे लिए अच्छा, हमें इतना अच्छा वातावरण क्यों नहीं मिलता है। हमारे साथ पड़ोसी भी झगड़ा करता है, फलाना भी झगड़ा करता है, घर वाले भी ऐसा करते हैं, नजदीक वाले भी दूर वाले सब ऐसा करते हैं, क्यों? तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या हुआ कि हम इतना शुभ चिंतन नहीं कर सकते हैं, हम सबके लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, नहीं सोचते हैं। कहने से क्या होगा, अंदर की बात है, ये क्या है, अंदर की बात है। अंदर आप सबका भला सोचते हैं तो न चाहते हुए भी लोग आपका भला सोचेंगे, आपका दुश्मन भी आपका भला सोचेगा, है ना। दुश्मन को भी अंदर में रहेगा कि मैं कब जाके उनसे मिलूं, दुश्मन भी ऐसा सोचेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना तुम सत्व प्रधान बनेंगे तो सत्व प्रधान दुनिया में जाएंगे। सारी दुनिया सत्व प्रधान कब बनेगी, जब सबके घर सत्व प्रधान बनेंगे। बाबा के सब बच्चों को ये महसूस होगा कि मेरी दुनिया बदल गई है, मेरी दुनिया। हमारी दुनिया कौन सी है, हम रोज लंदन तो देखते नहीं है, अमेरिका तो देखते नहीं, वो सत्व प्रधान बना नहीं बना हमको नहीं पता, दिल्ली में लोग बने नहीं बने हमको क्या पता, पर मेरे घर वाले बने कि नहीं बने वो हमको पता है, वो हमारी दुनिया है। मेरे घर वाले, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे संबंधी, जो भी हम जिसके भी हम संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, वो हमारी दुनिया है ना। हमारी दुनिया कौन सी है, वही हमारी दुनिया है, यहाँ जो हम रहते हैं वही हमारी दुनिया है। तो वो सत्व प्रधान बनी कि नहीं बनी वो हमें देखना है। तो बाबा ने कहा तुम सत्व प्रधान बनेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी सत्व प्रधान बनेगी। तो हम कितना बने हैं वो देखने का आईना क्या है, हमारी दुनिया कैसी है, हमारी दुनिया कैसी है। तो बाबा कहते हैं तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन बन के पावन दुनिया में चले जाएंगे, तकलीफ की कोई बात नहीं, इसमें क्या तकलीफ की बात है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी, याद करने की पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में, बाबा फिर कहते हैं बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। दिल्ली तक जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे, क्योंकि ज्ञान बड़ा स्पष्ट मिलता जा रहा है और जैसे बाबा कहते हैं वैसे ही पुरुषार्थ कोई करने लग पड़े तो बाबा कहते कितना भी कोई नया होगा पीछे आने वाला होगा तो भी बहुत अच्छा याद कर सकता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा कहते हैं एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहकर देह भान को खत्म करना है, अपनी
कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। कर्म का अहंकार छोड़ते जाना है। इस शरीर में रहते हुए अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरी बात, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण करके दूसरों को सुनाना है। ऐसे ही नहीं सुना देना है, क्या करना है? धारण करके सुनाना है। पांच विकारों का दान देकर राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा बाबा कहते हैं प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खुनी नाहक वायुमंडल और वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। किन किन बातों में मनसा, शक्तिशाली मनसा की जरूरत पड़ती है? इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। क्या है? प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करने के लिए, खुनी नाहक खेल के समय अपने को सेफ रखने के लिए, दूसरी आत्माओं को सहयोग देने के लिए और नई सृष्टि में नई रचना का प्रारंभ करने के लिए योग बल का अथवा मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होंगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बनकर बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो मनसा शक्ति को बढ़ाना है, और बढ़ाने का उपाय क्या है? बाबा की याद, स्वयं को आत्मनिश्चय करके बाबा को याद करने की आदत डालनी है, टेव डालनी है। बाबा कहते हैं, अच्छा स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता दोनों कितना ऑपोजिट है, निर्भयता और फिर साथ साथ क्या, नम्रता, यही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। ओम शांति, ओम शांति। अभी तो समय ऐसा होता है कि रोज कोई ना कोई विशेष दिन होता है, रोज कोई ना कोई विशेष दिन होता है। कभी मदर डे, कभी फादर डे, कभी हेल्थ डे, कभी क्या कभी क्या। तो अभी इस वीक में 4 फरवरी को, अभी गया तो 6 है, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर डे था, पर चालू दिवस था इसलिए फिर वो प्रोग्राम हमने संडे को रखा है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिन के निमित्त कैंसर जागृति एवं जानकारी कार्यक्रम, क्योंकि बहुत समय से वो लोग भी कह रहे थे जो HCG हॉस्पिटल है जहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ था कि आप अपने लिए अपने पास पे ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं। वो लोग भी खास कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहे, जैसे हम आत्मा का प्रोग्राम करते रहते हैं, योग का प्रोग्राम करते हैं, वो अपना वो प्रोग्राम करते रहते हैं। तो उस दिन विशेष प्रोग्राम है रविवार शाम को 6 बजे, और जो डॉक्टर राजीव भट्ट है वही आएंगे और प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन से वो सब कुछ समझाएंगे। ऐसा मैटर है कैंसर का,
पड़ा है, इसलिए सबके फोन आते हैं, हमको भी ऐसा हुआ है, क्या करें। तो हंसी की बात है, क्योंकि जो जो हमें पहचानते हैं बोला हाँ हमको तो लगता है आप ही हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड है। तो वो कल भी एक बहन का फ़ोन आया था, बीके समर्पित बहन, हमारी ही लगभग एज की होंगी, जो हमारे साथ भट्टी में थे। तो उन्हों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमें हुआ है, हम क्या करें, और बहुत घबरा रही थी। मैंने बोला कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो बहुत महामारी, जिसको सुनो बहुत लोगों को, उसका कोई निमित कारण अभी तक पता नहीं है, कोई फिक्स कारण नहीं है, क्यों हुआ इसका कोई जवाब नहीं है क्यों हुआ। और उसको मिटाने के लिए कोई निवारण या दवाई अब तक मिली नहीं है। हाँ, अगर उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है तो थोड़ी ज़्यादा असरकारक दवाई हो सकती है। कैंसर कभी भी किसी को भी कोई भी उम्र में शरीर के कोई भी भाग में हो सकता है। उसकी निशानियाँ क्या क्या होती है उसकी जानकारी जन जन तक पहुँचाने के लिए विश्व कैंसर दिन के निमित्त कार्यक्रम रखा है। आपको पधारने का हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। 9 फरवरी 2020 रविवार शाम 6 बजे, जैसे आपको कहा, मुख्य वक्ता है डॉक्टर राजीव भट्ट, और सबको बताना भी है और टाइम पर सबको आ भी जाना है, क्योंकि पहले 6 से 8 में पहले 1.5 घंटा वो लेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, और उसके बाद है अनुभव, हमारा अनुभव है। तो सबको टाइम पर आ जाना है। मैं भी हो सकता है कि हम थोड़ा बाबा के बच्चे 5 बजे आ जाएं, 1 घंटा योगदान करें, सबको ये सबको योगदान की बहुत ज़रूरत होती है ना। हमारी जो सेवा हुई वहाँ हॉस्पिटल में, वो यही सेवा हुई कि आपके साथ जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको कोई डर नहीं है, भय नहीं है, निराशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आके तो लोग बहुत डरते हैं, पहले डायग्नोसिस होता है, पता चलता है, तब भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है, निराशा शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मेन तो यही है कि हम उसको पॉजिटिव